नमस्कार बच्चों, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रसव सिखाएंगे। तो देखिए, प्रसव में प्रसव का मान 100 होता है। 100 पर प्रसव निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको प्रसव को भिन्न में बदलेंगे। तो देखो, जैसे 20% निकाला आपने, कितना है 20%। तो 20% को भिन्न में कैसे बदलेंगे, 20 लिख लो और प्रसव है तो बट्टे 100, तो बट्टे 100, तो इसको काट देंगे 20 का भाग एक बार और 20 बन 100, तो कितना आएगा 1/5। तो 20% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा 1/5। ऐसे देखिए 25%, तो 25% तो कैसे बदलेंगे, 25 लिख लो और 1/100, ये भी कट जाए काट दो, 25 एक 25 25 100, 1/4। अब देखिए 15%, तो 15% को 15 लिख लेंगे और फिर नीचे 1/100, 5 से ये भी कट जाएंगे, 5 3 15 5 2 10 1 0, तो 3/20। अब आगे देखिए, जैसे 50%, तो 50 ऊपर लिख लेंगे और नीचे कितने लिखेंगे 1/100, काट दो इनको एक बार और दो बार, तो 1/2। 50% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा 1/2। आगे देखिए, जैसे 2 से 1/2% है, तो इसको भिन्न में बदलना है तो पहले इसको इसमें गुणा कर लो, 2 2 4 1 5/2 आ गए। अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो देखो 1/100, यहां पर 100 लिख लेते हैं बट्टे में, काट दो 5 1 5 5 2 10, तो 20। तो देखो 1/2 और इन दोनों का क्या कर देंगे गुणा, 20 2 40, तो कितना आ गया 1/40। अब देखिए 8 से 1/3%, तो 3 का 8 में गुणा करेंगे, 3 8 24 और 1 25, 25/3 और प्रतिशत है तो 1/100, हल कर लो, 25 से 1 कट जाएंगे, 25 एक 25 25 100 बराबर 1/12। 3 को 4 करेंगे 12 आएंगे, 1/12। और देखिए 2 से 3/4%, तो इसका इसमें गुणा कर लो, 4 2 8 और 3 11/4 और प्रतिशत है तो 1/100। तो देखिए कट नहीं रहे, तो ऊपर 11 और नीचे ये गुणा कर लो, 100 का गुणा 4 में करेंगे तो 400। आगे देखिए 3 से 8/10%, इसको कैसे चेंज करेंगे, ऐसे इसका इसमें गुणा करेंगे, 10 3 30 और 8 38, बट्टे कितने आएंगे 10 और प्रतिशत तो 1/100, 2 से 1 कट जाएंगे, 19 बार ये 5 बार, तो ऊपर कितने आएंगे 19 और 5 का 100 का गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 500। देखिए लिख लीजिए, देखिए क्या भिन्न को प्रतिशत में बदले, भिन्न को प्रतिशत
प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 का गुणा करते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे अपनी भिन्न है 4/5 और ये प्रतिशत में बदलनी है, तो कैसे बदलेंगे, इसमें 100 का गुणा कर देंगे। 100 का गुणा कर देंगे, इनको हल कर लो, कट जाएंगे ये 5 × 5 और 5 × 10 20 बार, तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 × 80% कितना आएगा, 80%। ऐसे देखिए 1/2 प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करते हैं, 100 का गुणा, तो गुणा कर दो 100 का, तो 2 से ये कट जाएंगे 50, तो 1/2 का कितना आएगा, 50%। अब देख लो और संख्या और भिन्न देख लो, 3/4 प्रतिशत में बदल देंगे, कितने का गुणा करेंगे, 100, इसे ये काट दो 25 और 25 और 3 का गुणा करेंगे कितने आएंगे, 75%। और देखो 1/4 है तो प्रतिशत बदल लें गुणा 100, काट दो बराबर 25%। इनको लिख लीजिए और देख लो 2/5 प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा 100, 5 × 10 बराबर 40%। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। और आगे देखिए इनको लिख लो, दशमलव में बदले, तो देखो प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलेंगे, जैसे 10% है अपना, कितना है 10%, तो 10% है तो 10% लिखा है तो कितना आएगा, भिन्न में चेंज कर लो 10/100 और अब इसको दशमलव में चेंज कर देंगे। तो देखो 100 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, तो देखिए ये 1, 2 अंक है तो यहां पर दशमलव आ जाएगा वैसे सीधा सीधा। आगे देखिए 20% है तो बराबर 20/100 कितना आएगा, 100 का भाग दे देंगे तो 0.20 कितना भी ले लीजिए, वैसे 12%। तो कितना पहले 12/100 कितना होगा, 100 और दशमलव बदलेंगे तो कितना आएगा, 0.12। और देख लो 58%, तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 58/100 तो बराबर कितना आएगा, 0.58। अब देखिए जैसे 5% है, 5% है तो कितना आएगा, 5/100
सौ इसको दशमलव में चेंज कर देंगे तो दशमलव 05 लिख लीजिए इनको। आप देखिए दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें। देखो मैंने अभी अभी बताया था कि प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, चाहे कैसी भी संख्या हो, चाहे भिन्न हो या दशमलव संख्या हो। तो देखो जैसे संख्या है दशमलव 5, तो प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 का गुणा, और 100 का गुणा करेंगे तो 20 पहले रख लो और 1 बचा, 1 का गुणा 5 में कर दो तो 5, दशमलव लगा दो 1 अंक के बाद तो कितना आ गया, 50 आ गया। तो अपना कितना हो गया, 50% हो जाएगा। ऐसे और देखिए कोई संख्या हो 4.5, तो प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं, क्या करेंगे, 100 का गुणा, देखो 20 लिख लेंगे और 1 का गुणा करेंगे तो 5 और 4, तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो इतना आ जाएगा अपना। अब देखिए आगे इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा, तो 20 लिख लो और 48 और 1 अंक बाद दशमलव लगा दो यहाँ पर, तो इतना प्रतिशत हो जाएगा। और कोई संख्या ले लो 0.75, तो 0.75 इसमें क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, तो गुणा 100, तो 20 लिख लो और 1 का गुणा इसमें कर दो तो 5 और 7, और 2 1 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो इतना 75% हो जाएगा अपना। और देखो 2.35, तो इसमें भी 100 का गुणा करेंगे, 20 रख लेंगे और 1 का गुणा करेंगे, 5 3 2 1 2 के बाद दशमलव, तो कितना हो जाएगा, 235%। और देख लो 0.02, तो प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा, 20 लिख लेंगे और 1 का गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 के बाद दशमलव लगा दो तो कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। अब देखिए लिखो इनको, देखो आठ सौ का 20% है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए 800 लिख लेंगे और काफी है अपन गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, और 20 और प्रतिशत है तो बट्टे 100, ये मान लीजिए कि प्रतिशत लगाए तो बट्टे में 100 आएगा, इसको हल कर लेंगे, देखिए 0 से 0 कट जाएंगे और इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 20 का गुणा 8 में करेंगे तो कितने आएंगे, 0 8 2 16, कितना मान आ जाएगा, 160। आगे देखिए 80 का
25%। कैसे हल करेंगे? 80 का आगे जगह करेंगे गुणा का चिन्ह और 25 बट्टे 100 हल कर लेंगे। 25 एकम 25, 25 चौक 100 और 4 से ये भी कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 कितना आ जाएगा? 20। 80 का 25% कितना मान आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब देखिए आगे, 200 का 75%, तो कैसे निकालेंगे? 200 गुणा 75 बट्टे 100 हल कर लेंगे। देखो 2 जीरो इसमें भी है और 2 जीरो इसमें भी है तो काट देंगे। अब इन दोनों का क्या कर लेंगे गुणा? तो 2 5 10 2 7 14 1 15 कितना मान आ गया? 105। आगे देखिए, 500 का 50%। अब देखो तो 500 का भी है, क्या करेंगे? गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 50 बट्टे 100 हल कर लो। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे 0 और 5 5 25 कितना आएगा? 250 आएगा। लिख लीजिए, 5 का 10% प्लस 50 का 20%। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, 5 गुणा 10 बट्टे कितने लगाएंगे? 100 प्लस 50 काटी जाए गुणा 20 बट्टे 100। तो देखिए हल कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहां पर कितना आया? ऊपर 1 आ रहा है और नीचे 2 आ रहा है। प्लस ऐसे इसको हल कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 0, 5 गुनी 10। तो देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो या तो इसको ऐसे तो सॉल्व कर लो, 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20 और 1 21 बट्टे 2, तो ये आ जाएगा 10.5। ऐसे करके इसको सॉल्व कर लीजिए, आगे देखिए 12 प्लस 12 का 12%। अब देखिए 12 प्लस 12 का भी है गुणा का चिन्ह और 12 बट्टे 100। तो देखो पहले गुणा का चिन्ह करेंगे, तो 12 प्लस दोनों का गुणा कर लेंगे, 144 बार 144 होते हैं दोनों गुणा 144 बट्टे 100। तो 12 प्लस इसका ऐसे भाग दे देंगे तो 1.44।
इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 13.44। ऐसे लिख लीजिए इसको। चार सौ का 4% माइनस 800 का 2%। तो देखिए 400 का की जगह गुणा और 4/100 माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। 800 का की जगह गुणा और 2/100 सॉल्व कर लेंगे। देखो 1 0 2 0 0 से दोनों जीरो कट जाएंगे तो 4 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा 100। माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। ऐसे देखो इसको सॉल्व करेंगे 2 0 से दोनों जीरो काट देंगे 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16। तो 16 में से 16 माइनस कर देंगे तो कितना आएंगे 0। अब देखिए बच्चों प्रतिशत का अगला भाग हम अगले दिन लेकर आएंगे। अगर किसी की समझ में नहीं आया हो तो दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।